कैसे आए हैं इधर देखो। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, क्या बात है, आप लोग आए, चार चांद लग गए। अभी ग्रहण लगाएगी इधर आएगी। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, आप लोग यहाँ आए, चार चांद लग गए। ए, मुझे कॉपी करती है नकलची कहीं की। ए, तेरी बाप ये लाइन लिखी थी क्या? सब लोग बोलते खुद बंदरिया जैसे लगता है और मुझे कॉपी 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 बोलते। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? यू आर लुकिंग हॉट। ये चोरी चिप्पे मेरा मेकअप यूज किया। एक मिनट, मैं क्यों तुम्हारा मेकअप यूज करूंगी? आई एम ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नीड योर मेकअप। सुनो, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरा मेकअप यूज करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारा मेकअप यूज करूं तो मुझे भी नहीं छोड़ोगी? न्यूज़ वाले सब लोग को अलर्ट नहीं करते हैं जितना ये फ्लर्ट करते रहते हैं। अब क्या करें, पायरेसी का इतना जमाना है, ओरिजिनल की आदत ही नहीं है लोगों को। तू और ओरिजिनल, तू डुप्लीकेट की भी फर्स्ट कॉपी है। पान खाकर होठ लाल करने वाली औरत। ए, तू औरत, तेरी माँ औरत। ए, तू जेंट्स, तेरी माँ जेंट्स। ए, हरकत। ए, मोगली की बगीरा। ए, जिराफ की बच्ची। ए, मेंढक की बच्ची। मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये ऑफर मुझे कब मिलेगा? पापा, तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो? लॉटरी, समझ जाओ ना, मान जाओ। मैं क्या दिवाली हो जो मनाते रहते हो? तुम दिवाली नहीं, मवाली हो। अगर मैं मवाली हो तो तुम बिना सुर वाली कवाली हो। आज तो छा गई लॉटरी। लॉटरी, तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसको अंदर करवा दे, हम जुआ खेलती हुई को पकड़वा देते हैं पुलिस वाले। जब हेल्प करने के डैडी यहाँ हूँ तो मैं बच्चों से हेल्प क्यों लेती हूँ? हाय। यार मैंने गलती कर दी, डैडी करके सब डैडी डैडी बोलेंगे क्या मुझे? हाँ? तो बन गए डैडी, हमें भी बनाओ कभी। Anyways, Arjun, I'll catch you later after the interview, okay? Okay. Bye. Bye, Ashwari. Bye. जो यहाँ रहनी चाहिए थी वो चली गई। और तू जाने का क्या भाड़ा लेगी अभी यहाँ से? क्या लेडीज पुलिस बुलाऊं? लेडीज पुलिस क्यों बुलाना है? नहीं, अभी जाने का क्या मांगता है? मैं इतनी आसानी से मानने वाली तो हूँ नहीं, मेरी जैसी लड़की ढूंढ के दिखाओ तो जानो। ये तो है, ढीठ लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल? नहीं मिलती हैं। सरला, तेरे को पता, तेरे आने से पहले ना हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे, तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा हमने। देखो, रिश्तों की कमी तो नहीं है मेरे पास। रिश्तों की और किश्तों की कमी नहीं है इनके पास। आपको पता, आधा किलो पनीर लेने गई, वो भी किश्तों पे, कहती भैया कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अर्चना जी, गलती मेरी है क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा भाव देती हूँ। तुमसे अच्छी लड़की ना भरे पड़े हैं। मेरे पास एक भरा हुआ लड़का है, मैं बुलाऊं? ओ बच्चा, आजा भाई, देख तेरी मेहनत का फल। फल मांगा था पेड़ नहीं। देखिए, कहने के लिए हम भी आपको लौकी कह सकते हैं, लेकिन टिंडी को लौकी कहेंगे तो लौकी बुरा मान जाएगी। सामने हीरो बैठे और मैं जीरो से बात कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों को शादी करनी है, अब रिश्ता बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। Myself बच्चा, नाम तो सुना होगा। No, नहीं सुना। तो आपके घर में क्या 18 साल के जवान पैदा होते हैं जो बच्चा भी नहीं सुना? देखिए, एक चीज तो आपको देख के गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप जरूर किसी बड़े शहर में पैदा हुई होंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। सामने अर्जुन बैठा है, एटलीस्ट कुछ तो इंस्पिरेशन लेके, नो लड़का एटलीस्ट अर्जुन जैसा होता तो अच्छा होता। ये क्या है? देखिए, ऐसे क्या ख्वाब लेने में क्या है, ख्वाब तो हम भी ऐश्वर्या जी के ले सकते हैं, लेकिन इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए। देखो, अपने अपने देखने का नजरिया है। वैसे कईयों को तो हम मोतीचूर लड्डू भी लगते हैं। क्या लगते हैं? मोतीचूर लड्डू लगते हैं जिनको अपने बचपन में दवा के इंजेक्शन नहीं लगते ना, बड़े होकर ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। It happen. देखिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम थोड़े से रोमांटिक मूड में आए हैं आज, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। देखिए, रोमांस है ना, घर नहीं चलता। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं?
पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। देखिए अगर आप हमारे जीवन में आना चाहती हैं ना तो एक बात याद रखिए, हमें लड़की खानदानी चाहिए। ताकि बात आगे ना बढ़े इसलिए हम पहले ही बता देते कि हम बहुत बड़े खानदान से हैं और मेरे दादाजी इतने बड़े आदमी हैं अर्चना जी कि वो उड़ती चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अरे तो हमारे दादाजी भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो ऐसा फालतू का काम कभी नहीं करते। हमेशा मुझे तंग करती ना, आज मैंने ग्रुप में आदमी छोड़े इसके ऊपर। चूल्हा ले आते, कुछ तो काम होता, ये क्या है? देखिए आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं यार, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक से घर नहीं चलता। हमारा चलता है, अच्छी तरह करते हैं ना तो चल जाता। अरे मेरा मतलब तुम घर चला लेते हो? नहीं नहीं हम पीछे बैठेंगे, आप चला लीजिएगा। यार छोड़िए ना इन बातों को यार, हम इतना प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, हमने कोई डिमांड रखा आपके सामने? डिमांड रखना भी नहीं। क्यों? पुलिस में रिमांड हो जाएगी तुम्हारी इसीलिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हम आपको एक बात बताएं, हमारे पिताजी सर, हमारे पिताजी ने कहा था कि बहू को दो कपड़ों में घर में लाएंगे, वो तो हम सामने से कह रहे कि दो कपड़े थोड़े कम लगेंगे, थोड़ा ज्यादा पहन के आइए। अपनी तरफ से इतना रिस्पेक्ट दे रहे और क्या चाहिए यार। और अगर बाई चांस ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो आपको बता दें आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? हमारे मुर्गे ने कहा कि वो अकेला नहीं उठेगा, एक चूजी साथ में होगी तो उठेगा। घर का काम कर लेती हैं? हाँ कर लेती हूँ। तो एक दिन में कितने घरों का काम कर लेंगे? मैं क्यों किसी के घर में काम करूंगी? मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। पप्पू मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, मैं भले कुंवारी मर जाऊं, मैं नहीं शादी करूंगी, दिमाग खराब हो चुका है। ये देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात कही ना, ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हीरो आपको भाव देते नहीं, कप्पू आपको घास देते नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जब आपके घर पे एसी ना हो ना तो फिर पंखे से दुश्मनी नहीं कर। तुम्हारी एसी की तैसी। अरे 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 थोड़ा मंदबुद्धि क्या किया है? नहीं ये गलत है यार, गलत किया है। नहीं नहीं हमको भी लग रहा है यार, थोड़ी अजीब मंदबुद्धि टाइप की लड़की है। आई लाइक आई फटा हुआ यार।